वही जनपद रुद्रप्रयाग में प्रशासन भले ही स्वच्छता के दावे करे लेकिन शहर के बदहाल शौचालय इसकी पोल खोल रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ राजमार्ग पर घोल तीर बाजार के बीच जिला पंचायत द्वारा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय तो बना दिया गया है लेकिन इसकी सफाई व्यवस्था को सिरे से अनदेखा किया गया है जिसके चलते लाखों की लागत से निर्मित यह सार्वजनिक शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं और इनकी गंदगी से आम लोगों को बीमारियां का डर लगा रहता है। वही ग्राम प्रधान बीरेंद्र राणा का कहना है कि रेल निर्माण कार्य में लगी कंपनी द्वारा भी केमिकल का सारा गंदा पानी शौचालय के अंदर घुस रहा है जिससे और भी गंदगी फैल रही है। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। घोलतीर में शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ पे पहला मार्केट ऐसा है ये जो कि शौचालय की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या हो रहा, पूरी गंदगी रेलवे की जितनी भी गंदगी है इस गदेरे में आ रही है और यहाँ कोई बोलने चालने वाला नहीं है। जो कि यहाँ पे हर व्यक्ति परेशान है, जो कि लेडीज आती है यहाँ बाथरूम के लिए कोई सुविधा नहीं है, कहाँ जाए बेचारे। गंदा तो जरूर है, ये जिला पंचायत के मद से बना हुआ है और जिला पंचायत के कोई भी कर्मचारी यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए नहीं आते हैं जबकि बाजार वाले यहाँ पर टैक्स भी देते हैं उनको, तो तभी जिला पंचायत वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। गंदा तो है और ये रेलवे का केमिकल का पानी आ रहा है, वो रास्ते में आ रहा है, वहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और गंदा पानी आ रहा है। वहाँ पर रास्ता बनना चाहिए था, जिला पंचायत इसका मेंटेनेंस नहीं करता है, न वहाँ से कोई कर्मचारी इसकी सफाई व्यवस्था के लिए आते हैं। और ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, अगर ग्राम पंचायत को करना हो तो ग्राम पंचायत ध्यान देगी उस पर, इस विषय में सोचा जाएगा। धन्यवाद। ये जो बाथरूम है उसकी बहुत बुरी स्थिति है, उसकी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए और उसको सही भी करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे यात्री लोग भी आते हैं, बहुत दिक्कत में रहता है उस चीज़ से। हाइजीन की दृष्टि से आप इसको क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए बरोबर, ज़्यादा नहीं तो तीसरे चौथे दिन में हो जाए साफ़ सफाई।